बाबा। हाँ जी। संगमियम और स्वर्गम संगमियम इसमें फर्क क्या है? संगम माने क्या? स्वर्ण माने क्या? और लौह माने क्या? एड़ी माने क्या? और चोटी माने क्या? एड़ी और चोटी दोनों का मेल होता है माने संगम। स्वर्ण माने सोने की दुनिया और पांव की ओर एड़ी, कलयुग का अंत भाग, दोनों का मेल संगम युग हो गया। तो जब संगम युग की शुरुआत होती है तो पहले पहले लौह युग होगा या स्वर्ण युग होगा? लौह युग होगा। पुरुषार्थ करते करते नंबरवार आत्माओं के लिए लौह युग खत्म होगा या नहीं होगा? नंबरवार आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी या नहीं आएगी? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो जिन आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आती जाती है उनके लिए ये लोहे की दुनिया तमो प्रधान दुनिया के बीच में ही ऐसी सृष्टि का सृजन होता है जहाँ वो संपूर्ण प्रकार के सुखों में रहती हैं। सोने के समान उनकी आत्मा बन जाती है, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। इसलिए कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत बरपा होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। वो मौज में रहने वाली आत्माएं ही स्वर्णिम संगम युगी आत्माएं कही जाती है। और भक्त लोग मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चा करते हैं, तो वो पूजा और प्रसाद बांटते हैं, और प्रसाद बांटना मना भेद में अर्थ क्या है? संगम युग में भगवान बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं, तो वो कथा कोई दूसरी है या ये ज्ञान ही कथा है? ज्ञान। तो ज्ञान सुनते हैं तो प्रसाद अर्थात प्रसन्नता होती है या नहीं होती है? तो भक्ति मार्ग में स्थूल प्रसाद बांटते हैं और ज्ञान मार्ग में सब बेहद की बातें हैं। और बोलो बोलो। मुरली भी बोला है जो लास्ट में आते हैं वो फास्ट में चले जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि बहुत समय तक जीवन बंधन में रहे, तो वो कैसे रहे? बहुत समय तक बंधन में रहा है। बंधन में रहा है ये तो कोई बात नहीं है। माने जो भी लास्ट में आने वाले हैं वो सब बंधन वाले हैं, फास्ट में चले जाते हैं। फास्ट में चले जाते हैं वो तो ठीक है, पूर्वन का पुरुषार्थ है ब्राह्मण जन्म का, तो इस जन्म में उनका ऐड हो जाता है। दूसरे जन्म में जब ज्ञान में आते हैं तो तीखे जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर के आते हैं तो आत्मा तीक्ष्ण हो जाती है। बाकी बंधन से आते हैं ये तो कोई जरूरी नहीं। आम विदेश में जाते हैं, बाबा विदेश की सेवा करते हैं, केला विदेश में नहीं जाता। केला आज व्यस्त आ रहा है, केला जल्दी सड़ जाता है। क्या केला सफर में ले जाओ दूसरे तीसरे दिन खाने योग्य नहीं रह जाएगा, और जो आम है वो थोड़ा कच्चा तोड़ लो, जब उसका अंदर का बीज पक जाता है तो कच्चा ही आम तोड़ लो,
और उसको पेटी में जमा के रख दो, यहाँ से लेकर बिलाई तक ले जाओ, खराब नहीं होगा जल्दी। तो आम है राजा, जैसे फूलों का राजा होता है किंग फ्लावर, क्या कमल का फूल, और फूलों की रानी होती है गुलाब का फूल, उसमें भी रूहे गुलाब बहुत प्रसिद्ध है। तो ज्यादा शक्ति किस में होती है, राजा में या रानी में? राजा में ज्यादा शक्ति होती है, रानी में शक्ति उतनी नहीं होती है, लेकिन कोमलता और प्योरिटी ज्यादा होती है। बाबा, सतयुग का राम और त्रेता युग का राम अलग अलग नहीं है? जो सतयुग आदमी में राम वाली आत्मा है वो ही कृष्ण का बाप है, वही आत्मा ने सतयुग के आदि संगम से पहले, जब संगम की शुरुआत हुई थी उस संगम के आदि काल में पुरुषार्थ करते करते फेलियर स्टेज को प्राप्त किया था, वो फेलियर होने के कारण ही उसकी प्रारब्ध उसको त्रेता में मिलती है। लेकिन चोला बदल जाता है, है? चोला बदल जाता है तो उससे क्या होता है? आत्मा आत्मा प्राप्ति करती है या चोला प्राप्त करता है? लक्ष्मी वाले सुख दुख की प्राप्ति कौन करती है? हाँ, संगम युग में 84 जन्मों की शूटिंग होती है या एक जन्म की शूटिंग होती है? है? कितने बोलती का ही नहीं, तो 84 जन्म संगम में ही मिल जाएंगे 84 चोले, है? नहीं मिलेंगे 84 चोले, तो 5-4 वर्ष के चक्र में ही मिलेंगे, बेहद ड्रामा। लेकिन आत्मा में यहाँ शूटिंग हो जाती है। लेकिन बाबा, लक्ष्मी वाली मम्मी को बोल रहा है ना, है? मैंने राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वो लक्ष्मी वाले मम्मी का बताया है? नहीं, वो प्रैक्टिकल में है। राम और सीता वाली आत्माएं विष्णु बनती हैं। संगम युग में सबसे ऊंचा पद है विष्णु का, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण पद। तो ये विष्णु दो आत्माओं के पुरुषार्थ का, समान पुरुषार्थ का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन त्रेता में जाकर के एक स्त्री और एक पुरुष के चोले के रूप में बदल जाता है। पुरुषार्थ बराबर है, स्त्री अंधांगिनी कही जाती है, अर्थात प्योरिटी के मामले में पुरुष अधूरा है। स्त्री अगर अपनी मर्यादा पर आ जाए तो पुरुष को प्राप्ति करा सकती है प्योरिटी के मामले में भी। पुरुष में धारणाएं सारी आ जाती हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग में ही संभव है, निवृत्ति मार्ग में संभव नहीं है। इसलिए स्त्री को अर्धांगी कहा जाता है, आधा अंग दिया प्योरिटी का तो पुरुष को विजय प्राप्त हुई। दुनिया में सारी ही प्राप्तियां प्योरिटी के आधार पर होती है, तो पुरुषों को भी जो प्राप्ति होती है वो पत्नी की प्योरिटी के आधार पर होती है। चाहे शंकर जी हों, चाहे नारायण जी हों, चाहे श्री राम हो, इनको प्राप्ति कराने वाली कौन है? शक्ति, शिव शक्तियां कही जाती हैं। शिव बाप आकर के शक्तियों के द्वारा प्राप्ति कराते हैं, इसलिए जगदम्बा मां निमित्त बनी हुई है। शिव बाप देते हैं प्रजापिता द्वारा, प्रजापिता को विश्व की बादशाही देते, प्रजापिता से जगदम्बा को मिलती,
और जगदम्बा द्वारा सारे बच्चों को प्राप्ति होती है। तो जो विष्णु का रूप संगम युग में है, स्त्री पुरुष का कंबाइंड रूप, वो ही विष्णु का चोला त्रेता युग में जाकर के एक स्त्री और एक पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जो पुरुष था वो वहाँ स्त्री हो जाता है, जो यहाँ स्त्री था वो वहाँ पुरुष हो जाता है। तो जो यहाँ स्त्री का चोला है संगम युग में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट प्रैक्टिकल बजा रहा है या पुरुष चोला बजा रहा है? बाप कहते हैं मैं तो विदेशी बन करके आया हुआ हूँ, भारतवासियों की मूल धारणा है जो राम की गाई जाती है रामायण में, जिसका गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली धारणा त्रेता युग का गायन है या संगम युग का गायन है? हैं? संगम युग का गायन है। तो संगम युग में राम वाली आत्मा में तो शिव प्रवेश करता है, वो शिव को, शिव तो सबका साथी है, तुम सब सजनिया हो, उसकी बेहद की प्रवृत्ति है। बाप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम स्वदेशी बनकर के आ जावे तो तुम बच्चों से मिलन भी नहीं मना सकता, इसलिए उसका तो पार्ट ही संगम युग में अलग हो जाता है। हाँ, जो सीता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है, संगम युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है तो त्रेता में जाकर के पुरुष के रूप में जन्म लेती है, वहाँ उसका नाम राम पड़ जाता है। और आदमी बोला है कि जल जो है ये अनाथि कालों से बनाया है, जल है ये अनाथि कालों से बना बनाया है, जल अकेला है या पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सभी है? सभी है, पांचों ही तत्व अनादि हैं। तो ये किसी ने कुछ बनाया ही होगा ना? फिर वही बात, जो चीज अनादि है वो बनाई नहीं जाती, उसकी आदि है ही नहीं। आ माने नहीं, आदि माने आदि, जिसकी आदि ही नहीं है उसका अंत ही नहीं है। इस सृष्टि पर सदैव ही जल रहेगा, ऐसा कोई भी एक सेकंड नहीं रहेगा जो इस सृष्टि पर जल न हो, और जहाँ जल होगा वहाँ अग्नि भी जरूर कहीं न कहीं होगी। इसलिए समंदर में आग लगती है, बड़े बड़े तेल के कुएं हैं पृथ्वी के अंदर से फट पड़ते हैं, आग ही आग हो जाती है, पृथ्वी के अंतराल में आग भरी हुई है। जो ज्वालामुखी में आग के शोलों के रूप में फट पड़ती है, जब वो आग पिघलती है तो पत्थर बन जाते हैं पहाड़ों के। वायु, इस सृष्टि पर वायु सदैव है ही है, एक सेकंड भी इस सृष्टि पर ऐसा नहीं हो सकता जो वायु न हो। जैसे आत्मा अनादि है वैसे ये प्रकृति के पांच तत्व भी इस सृष्टि पर अनादि है, ये कभी बनाए नहीं जाते हैं। हाँ, इनके जो चैतन्य रूप हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पंचदेव, अग्नि देवता, जल देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, ये देवताओं के रूप में इनका चैतन्य रूप में मान्यता है। जो कभी यहाँ रहते हैं इस शक्ति पर, कभी वो आत्मा परमधाम में ट्रांसफर हो जाती है थोड़े समय के लिए, वो भी सदा काल के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। जब जल देवता ट्रांसफर होगा
तो कुछ सेकंड, कुछ समय का टाइम इस पृथ्वी पर ऐसा आएगा कि सारी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ होगी, जल नाम की चीज ही नहीं होगी। लेकिन वो लंबा टाइम नहीं होगा, जब तक वो जल देवता परम धाम में रहेगा तब तक जाम, आत्मा चलायमान नहीं होगी। और जैसे ही सृष्टि पर उतर के आएगा, जल प्रवाहित होने लग पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी चैतन्य आत्माएं हैं, अग्नि देवता, परंतु अग्नि देवता का प्रैक्टिकल रूप सत्युग में नहीं होता है, मर्ज हो जाता है, वहां अग्नि नहीं होगी, अग्नि देखने में भी नहीं आवेगी, क्योंकि अग्नि का कृत्रिम रूप द्वापर युग से तैयार हुआ। मनुष्यों ने लकड़ी के साथ लकड़ी घिसी और घिसने से उसमें चिंगारी फूट पड़ी, तो ये कृत्रिम पैदाइश हुई या पहले से अग्नि थी? पैदाइश हुई, तो अग्नि कृत्रिम है, ये बनाई जाती है, बाकी जल तो है ही है। और वायु भी नहीं क्या बाबा? ऐसे ही वायु, एक टाइम ऐसा आएगा कि वायु एकदम शांत जैसे नील हो जाएगा आकाश। और बाबा संगम पर साकारी को भी परमात्मा को भी राम बोलते और साकारी बाबा को राम है, इसका रहस्य क्या? क्या आदि वाली राम की आत्मा, आदि वाली राम की आत्मा, आदि को एक है आत्मा और एक है परम पिता, जो परम पिता है उसका मूल नाम शिव है, उसका नाम राम नहीं है, वो शिव नाम कभी नहीं बदलता। जब शरीर बदलते हैं तब नाम राम पड़ जाता है, राम के शरीर में प्रवेश किया तो नाम राम पड़ गया। और क्या लिखते, क्लियर करके लिखते नहीं। शिव शंकर भाई उमरेड के लिख रहे हैं, बाबा कहते हैं कि पेट के लिए दो रोटी चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है वे दो वक्त की रोटी के लिए अपना काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास बैंक बैलेंस है बाबा से मिलने के बाद नौकरी धंधा कर रहे हैं, तो इसका क्या राज है? समझा है? ये पूछ रहे हैं कि पेट के लिए, पुरुषार्थ के लिए, इस पेट के लिए भी और इस पेट के लिए भी, इस पेट के पुरुषार्थ के लिए और इस पेट के लिए दो रोटी चाहिए, तो जिनके पास दो रोटी नहीं है वो तो अपना रोजमर्रे का काम धंधा करके पेट पाल लेते हैं, रोटी कमाते हैं, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जिनके पास बैंक बैलेंस रखा हुआ है तो वो धंधा दोरी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बोलो भाई, जवाब दो है? मोह लगा हुआ है, कैसे मोह लगा हुआ है? लोभ, लोभ का क्या करेंगे? पेट में तो दो ही रोटी जाएंगी, तो दो रोटी के लिए तो बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, लोभ नहीं है, भगवान के वाक्यों पे विश्वास नहीं है,
इस बात का कि ये दुनिया जाने वाली है। भगवान बाप नई दुनिया बनाने के लिए आ गया, जहां बैंक बैलेंस की दरकार है रहेगी नहीं रहेगी, इस बात पर ही विश्वास नहीं है। अगर इस बात पर विश्वास हो तो धंधा धोरी में सर क्यों अड़ाए, क्यों न पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों की प्राप्ति कर लें। बोलो शिवशंकर भाई, कोई और बात हो तो बोलो है? अपनी समझ में तो जो आया सो बताया है? कोई और बात है, है किधर? हाथ तो उठा दो। हाँ, कोई और बात है क्या है? अच्छा, आप आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है क्या? नहीं है, रोज का धंधा करना पड़ता है, है? कितने बाल बच्चे हैं? 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 दो बच्चे हैं। बड़ा बच्चा कितने साल का है? बाबा एक ही बच्ची है, एक ही बच्ची है। अच्छा, बच्चा भी नहीं है, है? एक बड़ा बच्चा शिव बाबा, अच्छा, और एक बच्ची। तो बच्ची ज्ञान में नहीं चल रही है, है? रुको तो, पकड़ के ले आए क्या? ज्ञान में नहीं चल रही, चल रही है तो बच्ची की तो तुमको चिंता नहीं, तो वो तो ज्ञान में चल रही, वो तो बाबा की बन गई। अब आपको अपनी क्या चिंता, धंधा धोरी कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे? ज्यादा कम क्यों कर रहे? ज्यादा रोटी खानी है क्या है? बाबा तो गारंटी दे रहे, मेरी सर्विस में लगे रहने वाले बच्चे भूख मरेंगे ही नहीं, उन्हें दो रोटी जरूर मिलेगी, तो काय के लिए चिंता में पड़े हुए? दूसरों को बाद में पकड़ो, पर चिंतन बाद में करो, पहले पहले सचिंतन। अच्छा, दूसरा प्रश्न और है आपका अभी। लक्ष्मी जब एडवांस में आएगी तो पहले पहले वो ज्ञान कलश जगदम्बा से लेगी, और फिर दूसरों को प्रैक्टिकल में बांटेगी। तो जैसे बाबा गीता पाठशाला और निमित्त मधुवन में चक्कर काटते हैं, वैसे ही वो लक्ष्मी भी चक्कर काट के बांटेगी या क्या होगा? अब भविष्य की बात है तो पहले ही बताई जाए क्या है? जो पवित्र होता है उसको भटकना पड़ता है, या जो अपवित्र होता है उसको भटकना पड़ता है, है? जो इम्प्योरिटी होती है वो भटकती है, और प्योरिटी भटकती नहीं है। प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इसलिए लक्ष्मी का पार्ट अलग और जनता जनार्दन नारायण का पार्ट अलग। चलो, सीढ़ी के चित्र में शांति धाम का चित्र दिखाया है, इधर भी नहीं, वहां सात सेक्शन दिखाई पड़ते हैं। वो माउंट आबू की बात है क्या?
अभी माउंट आबू में 7 सेक्शन क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं क्या? दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई पड़ते हैं क्या? अरे कोई हाँ या ना, इसका मतलब नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, एक संपन्न स्टेज ऐसी आवेगी जब तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, और उस समय 7 ही जो मुख्य धर्म है, जो भगवान बाप को मानने वाले हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो 7 ही सेक्शन देखने में आवेंगे। और भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्मते ही उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा पितृ ऋण। इसका बेहद में अर्थ क्या है? ऋषियों का काम क्या होता था? उन्हें कहा जाता था ऋषि मुनि। उनका मुख्य काम क्या होता था? उनका मुख्य काम होता था मनन चिंतन मंथन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और नई नई बातें ईजाद करना। तो ये ऋण हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर है या नहीं है? ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकालें, ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार करें ताकि संसार वालों को जल्दी समझ में आ जावे, ये ऋण हमारे ऊपर है या नहीं है? हैं? है। तो ये हुआ ऋषि ऋण। ऐसे ही देव ऋण, देव किन्हें कहा जाता है? देवता कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई आत्मा ने ऐसा पाठ बजाया जिससे वो देवता दिखाई दे? हैं? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ने जो धारणाओं का जीवन बिता के दिखाया, वो धारणाओं का जीवन हम सभी ब्राह्मणों को धारणा करके संसार के सामने दिखानी है। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हम देवताओं के ऋणी रहेंगे। धारणा भी करके दिखाना है। और तीसरा है पितृ ऋण। पिता का काम होता है बच्चों को जन्म देना, तो हम बच्चों का काम भी क्या है? हम निपूते होकर के जाएं, या जैसे हमारे बाप ने हमको जन्म दिया वैसे हम भी दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय दे करके जाएं, या ऐसे ही बिना सेवा किए बैठे रहें? हमारा भी फर्ज है कि हम दूसरी आत्माओं को बाप का परिचय दें। बाप के बच्चे हम बने हैं तो दूसरों को भी बनाएं। ये पितृण हुआ। और बाबा, द्वापर युग में व्यास ने जो सर्वव्यापी बताया, यह झूठी गीता बनाई, उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? पहले तो लिखने वाला ये बताए कि मुरली में कहीं ये बात बोली है कि व्यास ने भगवान को सर्वव्यापी बताया। व्यास ने गीता लिखी है
ये व्यास ने फिर से मुख से बोला है, हैं? बोला है। उसके बाद उनकी गद्दी पर जो गुरु जो शिष्य बैठे वो सैकड़ों वर्षों के बाद उन शिष्यों ने बैठ करके भोजपत्रों पे लिखा है। तो ये बात झूठी है कि पुराने पुराने शास्त्रों में भगवान को सर्वव्यापी कहते थे, बल्कि शास्त्रों में तो ये श्लोक भी आया है कि हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। तो बात वैसे ही हो गई जैसे कोई भगवान को ढूंढता है, ढूंढते 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 कहीं नहीं मिला, तो फिर आखिर कह देता हम कि वो हम। जैसे कोई बच्चे से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या, तो बताएगा। फिर कहो उसके बाप का नाम क्या, मालूम होगा तो बताएगा। फिर पूछते चले जाओ तो आखिर क्या कहेगा, क्या कहेगा, हम। तो ये बात कोई पक्की नहीं है कि व्यास ने ही भगवान को सर्वव्यापी बताया, और ये भी बात पक्की नहीं है कि व्यास ने झूठी गीता बनाई। झूठी गीता बनाने वाले कृष्ण के फॉलोअर्स और हैं, जो अभी शूटिंग पीरियड में भी देखे जा रहे हैं। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसे कृष्ण की आत्मा अपनी बात पर अड़ी हुई है कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। जो अड़ने वाले हैं वो ही गीता का भगवान कृष्ण बनाने वाले हैं, गीता को झूठा साबित करने वाले हैं। प्रश्न पूछा है, राधा और कृष्ण सतयुग में भाई बहन बनते हैं, भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं, तो उनको जन्म लक्ष्मी देती है। संगम युग में जो लक्ष्मी है वो उनको जन्म देती है, तो कृष्ण सूर्यवंशी कैसे होगा, बताओ भाई, किसी को मालूम हो तो बताओ। अरे हाँ, ये शादी बर्बादी की जो रस्में चल रही हैं, वो भी कहाँ से चली है, है? कहाँ से चली, संगम युग से। तो संगम युग में पहली पहली शादी तो दुनिया में किसी की तो हुई होगी, किसकी हुई, लक्ष्मी नारायण की पहले पहले शादी हुई। वो संगम युग लक्ष्मी नारायण थे, उनको शिव की बारात भी कहा जाता है। तो जब नारायण और लक्ष्मी की शादी होती है तो उनका पुराना नाम क्या होता है, है? वो लक्ष्मी नारायण ही नाम होता है या उससे पहले उनका कोई और नाम होता है, क्या नाम होता है, राधा कृष्ण नाम होता है। कृष्ण सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की, माने कहाँ से आती है राधा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल से आती है राधा। और कृष्ण कहाँ से आता है, ज्ञान सूर्य। शिव बाप के महावाक्यों को फॉलो करने वाले वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो सूर्यवंशी है राम और चंद्रवंशी है सीता अथवा राधा। जब चंद्रवंश से राधा आती है सूर्यवंश में तो उसका कुल बदल जाता है, वो भी चंद्रवंशी से क्या हो जाती है, सूर्यवंशी हो जाती है। आज भी भारत की परंपरा में ये होता है कि जब शादी होती है तो स्त्री का नाम और कुल बदल जाता है, तो सूर्यवंशी कुल हो गया। सूर्यवंशी कुल से ही संगम युग समाप्त होने पर कृष्ण सूर्यवंश का जन्म होता है।
अरे प्रश्न पूछा है जो पूरा चिट्ठी लिख दी। मीठे मीठे रूहानी मात पिता योगीश्वर योगीश्वरी को मेरा याद प्यार। आगे का समाचार फरुखाबाद से मैं। दमा की बीमारी होने के कारण। अरे भाई ये क्या क्या, अरे यहाँ तो प्रश्नोत्तर का क्लास हो रहा है, चिट्ठी चपाटी का थोड़े ही। और है हिंदी में बोला है कि जो चोर चकार होते हैं है? जो चोर चकार होते हैं उनमें सजाओं को भोगने का बल ज्यादा होता है, ताकत होती है। यहाँ भी ऐसे ही चोर चकार हैं जो कहते हैं देखें हम बेकार में होकर के जाते हैं बाबा के क्लास में, देखें बाबा हमें पहचानते कि नहीं, तो बाबा समझ जाते हैं धर्मराज की ज्यादा सजाएं खाने वाले हैं, जो भगवान को भी चैलेंज देते हैं। और हाँ जो आपको तो पहचान लेंगे, लेकिन जो 200 बाप को पहचानती है अंत में पहचानेंगी। हाँ नंबर वार। लेकिन जो 200 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं 200 करोड़ हाँ बच्ची वाली जो कुल 700 करोड़ आत्माएं है ना, लास्ट वाली जो 200 करोड़ है तो बाप को पहचानेंगी हैं? बाप को पहचान उनकी तो गिनती 200 करोड़ कीड़े मकोड़ों जैसे हैं, जैसे कीड़े मकोड़े अपने बाप को पहचानते हैं। लेकिन उनमें सोच विचार करने की शक्ति नहीं। कीड़े मकोड़ों की लिस्ट में क्यों डाले गए? 500 करोड़ मनुष्य हैं और बाकी 200 करोड़ जो अंत में आवेंगे वो जैसे कीड़े मकोड़े हैं, अभी अभी आए एक जन्म लिया और फिर तलाश और वापस परमधाम में बैठे। 5000 साल है थोड़े समय के लिए। और जो रियलिटी में आत्मा बनने वाले हैं, जो रियलिटी में आत्मा बनते हैं, जो रियलिटी में आत्मा बनते हैं वो ही चौरेंस जन्म लेते हैं। एक आत्मिक स्थिति में रहती है और दूसरी, अरे और क्लियर कर लो ना, या कोई दूसरे ने समझाओ तो दूसरा सुना दो, हमें तो इनकी बात समझ में नहीं आई। जो रियलिटी में बनने वाली आत्माएं हैं, रियलिटी जो रियलिटी में आत्मा बनने पूर्ण आत्मा बनना, जो रियलिटी में आत्मा बनने वाली। देखो हम तो एक काम से बह रहे हैं, थोड़े नहीं समझ पाते, इन्हें समझा दो। रियलिटी में जो आत्माएं वास्तविक रूप में आत्मा बनने वाली हैं उनकी संख्या 4.5 लाख जो सिर्फ 84 जन्म लेती हैं उससे कम जन्म नहीं लेती, वो रियलिटी में वास्तविक रूप में वो ही आत्माएं हैं और बाकी में कुछ न कुछ देवान रह जाता है, इसलिए वो पूरे 84 जन्म नहीं लेती। अब आप पूछना क्या चाहते हैं? रियलिटी में आत्मा बनना मैंने पूरे 84 जन्म लेना, एक जन्म भी कम नहीं, पूरे 84 बाप लौकिक में जिनके हो वो रियलिटी रियल आत्मा है, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। जो 84 जन्म नहीं लेंगे रियलिटी में, 84 जन्म तो हैं लेकिन रियलिटी में 84 जन्म नहीं लेंगे,
रियलिटी का मतलब जैसे ब्रह्मा की सोल, ब्राह्मण तो बने लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी जीवन रहते रहते उन्होंने रियलाइज नहीं कर पाया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का बाप कौन है। प्रैक्टिकल में साकार सृष्टि पर तो रियलिटी में आत्मा नहीं कहेंगे, आत्मा तो है परंतु 50 साल के जन्म वर्ष कम हो गए। 84 जन्म लेंगे तो जरूर, लेकिन उसमें भी 50 साल कम हो जाते हैं। और एक है? शंकर को त्रिनेत्री कहते हैं, जो खड़ा हुआ नेत्र है वो शिव का है जी, लेकिन जो दो नेत्र है, राम और कृष्ण, है वो कौन से? राम और कृष्ण तो पूछने की क्या बात, खुद ही तो बता रहे दोनों पड़े नेत्र हैं। पड़े हैं माने सदैव खड़े नहीं रहते हैं, और वो सदैव स्मृति स्वरूप है, स्मृति में खड़ा रहता है, कभी विस्मृति में आता ही नहीं है। कौन? शिव। हाँ जी ने बोला है कि नए नए बच्चे आते हैं, हाँ, तो पहले बहुत अच्छा चलते हैं, हाँ। समझते हैं हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, तो इस समय उनकी मसानी वैराग्य होता है, तो मसानी वैराग्य शमशान का वैराग्य, शमशान घाट में जाते हैं, संग का रंग लगता है, वैरागी वातावरण है, सबको वैराग आया हुआ है, तो उनको भी जोर से वैराग आ जाता है। वहाँ से वापस आए, घर गृहस्थ में गए, दुकानदारी में गए, चकाचौंध में गए, बस सारा वैराग खलास। मसानी माने शमशानी, दैवी गुण माने, दैवी गुण माने दिव्य गुण, जिनमें दिव्यता भरी हुई हो। अरे सहनशीलता दिव्य गुणों का राजा है, स्मृति ही समर्थ स्वरूप बनाती है, स्मृति ही समर्थ स्वरूप बनाती है, समर्थ स्वरूप माना चाहिए। समर्थ स्वरूप का मतलब स्मृति बार बार करेंगे तो पक्की हो जाएगी, पक्कापन आएगा माने समर्थि आ जाएगी। अभी अभी याद किया, अभी अभी भूल गए, तो विस्मृति स्वरूप माने असमर्थ हो गए। हाँ बाबा जी, तो मुसलमान धर्म में सब माता कन्याएं माताएं काले कपड़े पूरे शरीर में चढ़ाते हैं, बात है वो वो क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मुसलमान धर्म में व्यभिचार को छूट दी गई है। व्यभिचारी बनना माना शरीर और आत्मा दोनों काली बनना, तो काला रंग दिखाने के लिए असुरों को, रावण संप्रदाय को, कंसी संप्रदाय को, कौरव संप्रदाय को, असुर संप्रदाय को, देवासुर संग्राम में, राम रावण संप्रदाय में और महाभारत में काले कपड़े दिखाए जाते हैं। स्त्रियों को भी काले कपड़े दिखाए गए, वो महाकाली का रूप, वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली कन्याओं माताओं का है। उनकी यादगार भारतवर्ष में भी है, आई अप्पा स्वामी, आई शब्द मुख से कब निकलता है? किसी की पिटाई होती है और एक सड़ों का लगा भाई। बड़े बड़े त्योहारों में उनके यहाँ मांसाहार चलता है ज्यादा, धार्मिक त्योहार हो, कोई सा भी या मकान का कार्य हो या शादी हो, सब मांसाहार करके वो भोजन बनाते हैं। कहाँ? मुसलमानों में? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे क्यों? ये तो अपने शिव बाबा को भी याद करने वाली की भी आत्मा है, तो ऐसा क्यों चलते हैं? मुसलमानों की तो मान्यता है
कि जानवरों में पशु पक्षियों में आत्मा रूह होते ही नहीं। कहते हैं बहुत से हम आए हैं मुसलमान धर्म के जो लोग हैं रूह को मानते हैं, लेकिन रूह इंसान में ही मानते हैं, पशु पक्षियों में रूह नहीं मानते वो। हाँ जी बाबा, रूह और रूह अलग अलग है हैं? रूह और रूह अलग अलग है। रूह और रूह नूर कहते हैं रोशनी को, रूह की जो रोशनी है उसे कहते हैं रूह का नूर। वो रूह की रोशनी आंखों से दिखाई देती है, जैसे क्राइस्ट की आंखों को ध्यान से देखो नूर दिखाई देगा, गुरु नानक की आंखों को ध्यान से देखो उन आंखों में नूर दिखाई देगा, क्राइस्ट की आंखों को ध्यान से देखो, शंकर जी जब याद में बैठे हैं चित्रों में दिखाए जाते हैं उनकी आंखों को ध्यान से देखो उसमें नूर दिखाई पड़ता है। नूर माने आत्मा की रोशनी। और बाबा सागर में लक्ष्मी खड़ी रही है और दो तरफ है, दो तरफ दाएं और बाएं हाथ में खाती रहती है, दो है उसके सोंड में दो माला रहती है, लक्ष्मी के स्वागत करती है, हाथ में क्या है बाबा? लक्ष्मी कोई दूसरी थोड़े ही है और हाथी कोई दूसरे थोड़े ही हैं। रामकृष्ण रूपी हाथी है महारथी, वो विजयमाला लेके खड़े रहते हैं उसके सामने। तुम अपना कर्तव्य दिखाओ, हम तुम्हें माला पहनाएं। सागर की बेटी है लक्ष्मी, को सागर से ज्ञान सागर ज्ञान मिलता है। लक्ष्मी को ज्ञान रतन कहाँ से मिलते हैं? ज्ञान सागर बाप से मिलते हैं, इसलिए सागर की बेटी कही जाती है। खुद तो कमाती नहीं है, खुद कमाती है क्या है? कमाती है। अरे लक्ष्मी धन कमाती है या नहीं कमाती है? हैं? कमाती है नहीं कमाती है? किससे मिलता है? बाप से मिलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह हो अकबर। हाँ तो क्यों कहते हैं? जैसे अपने यहाँ कहते हैं सेवा शंकर, क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा। पहले क्या बोलते हैं? पहले सेवा फिर शंकर, पहले परमपिता फिर परमात्मा। तो जैसे हम पहले बड़े का नाम पहले देते हैं छोटे का नाम बाद में, शिव बड़ा या शंकर बड़ा? शिव बड़ा शंकर छोटा, शिव बाप शंकर बड़ा बच्चा, तो दोनों का नाम जोड़ दिया। जैसे आज की दुनिया में कोई दुकान बनाते हैं तो कहते हैं एंड सन्स कंपनी, क्या राजा राम एंड सन्स कंपनी, बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही मुसलमान लोग भी मानते हैं अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। परमधाम में वो परमधाम को कहते हैं अर्श, अर्श में अल्लाह से ऊंची कोई आत्मा रहती है? अल्लाह सबसे ऊंचा है, उसके बाद किसका नंबर है? तो कहते हैं अकबर। सारी दुनिया में सब अक के फूल हैं, क्या सारी दुनिया कैसे भरी पड़ी है? अक के फूलों से भरी पड़ी है। उन अक के फूलों में जो वर है, वर माने दूल्हा, वर माने श्रेष्ठ, वो है अकबर। क्या अल्लाह के बाद दूसरा श्रेष्ठ नाम किसका? अकबर का।
तो कहते हैं अल्लाह अकबर। तो बात तो एक ही हुई। जैसे हिंदुओं में मान्यता है बाप और बेटे की, वैसे मुसलमानों में भी मान्यता है बाप और बेटे की। इकट्ठा तो जा नहीं सकते। कहाँ? मुरली में, अभी आज के मुरली में कहा है बाबा ने कि इकट्ठा तो जा नहीं सकते, नहीं तो प्रलय हो, अभी हो जाएंगे तो है? नहीं तो प्रलय हो जाएंगे। और एक तरफ कहते हैं कि सबको साथ भी ले जाऊंगा। साथ ले जाऊंगे तो सारे इकट्ठे ही चले जाएंगे क्या? नंबर बार आएंगे। ये आपको किसने कह दिया कि सब इकट्ठे ही पहुंच जाएंगे? एक ही सेकंड में 500-700 करोड़ आत्माएं घुस जाएंगी। अरे बारात जाती है, ये भी तो बेसिक बताया कि शिव की बारात जाती है। बारात में आगे आगे कौन जाता है? बराती जाते हैं कि घराती जाते हैं? नहीं, हर बात में नहीं, पहले घराती जाएंगे ना। घराती में भी नंबर वार होते हैं कि सब एक जैसे होते हैं? उसमें भी नंबर वार होते हैं। बच्चों जैसे जाएंगे। बच्चों में भी छोटे बड़े होते हैं कि नहीं? मच्छरों से जाएंगे। माने जैसे मच्छर आया काटा, ऐसी वैल्यू है। अभी तो भगवान बाप आकर के समझाएगा, एक बार, दो बार, लाख बार, 100 लाख बार समझाएगा, नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। फिर जब साथ ले जाएगा तो हालत क्या हो जाएगी? कैसी हालत हो जाएगी? थोड़ी भी पिन्ना का किया पिन्न और यूं चप्पल मारा बचा, नाम निशान नहीं रहेगा। अभी तो भगवान की भी बात सुनते नहीं। बाबा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये जो स्टेज आएगी आत्मा की, इससे में ध्यान रहेगा क्या? जो निराकारी होता है उसके मन के संकल्प जो है आकार धारण करते हैं या नहीं करते हैं? संकल्पों का आकार धारण होगा या बिंदु रूप हो जाएंगे? आकार धारण करेगा। निराकारी माने आकार धारण करने वाला है, बिंदु हो गए। बिंदु माने बीज बन गए, तो बीज में कोई आकार नहीं रहता, बिंदु छोटे से छोटा होता है, बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो ऐसे ही वो संकल्प मात्र भी निराकारी स्टेज हो गई। कर्म इंद्रियों से कर्म करना, वाचा से वाचा बोल निकालना, वो तो बड़ी बात हो गई। निराकारी निर्विकारी, विकृति आएगी नहीं। कर्म इंद्रियों में विकृति आ जाए नहीं, कर्म इंद्रियां विकृत काम भी नहीं कर सकती, विकृत रूप धारण भी नहीं कर सकती। जैसे आंख जब विकारी रूप धारण करती है तो कैसी गोल गोल हो जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, रावण जैसी गोल मटोल आंख हो जाती है, तो विकारी आंख दिखाई पड़ती है कि नहीं? निर्विकारी दिखाई पड़ती है कि विकारी दिखाई पड़ती है? विकारी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही और इंद्रियों का भी हिसाब है। और शंकर जी के जो बारात दिखाते थे, बाराती दूल्हे लंगड़े हैं, शंकर जी के बारात में लंगड़े थे, दूल्हे लंगड़े हंसे, उनके बारात दिखाते हैं, बाराती दिखाते हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों दिखाते? बारातियों में दूल्हे लंगड़े अंधे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों दिखाते? ऐसे क्यों दिखाती? दुनिया में सब तरह के लोग अगर देखना हो तो सबके बीज कहाँ देखो? बाबा के बच्चों में सब तरह के बीज हैं, लूले भी हैं, लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, कोढ़े भी हैं, काने भी हैं,
चंद्रवंशियों को क्या कहेंगे? लंगड़े कहेंगे, अंधे। तो अंधे भी हैं यहाँ। और किसी की हिंसा करना तो ये पाप होता है। हाँ। तो ये पूरी लोग जो होते हैं वो तो मच्छी मारी करते हैं हमेशा के लिए। मच्छी मारी? हाँ, वो पानी में मछली भी होती है तो मछली पकड़ते हैं, मारते उसको और मैंने उसको जमा के घूमते हैं, वो पाप नहीं होता क्या? दुनिया में सागर संसार में सबसे जाति तादाद में फैला हुआ है। और सबसे जास्ती कौन सा जानवर खाया जाता है? अगर मछली खाने के ऊपर बंदिश लगा दी जाए तो आदमी जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे? क्या होगा? अरे अरे बोलो तो। अरे तुम तो चक्कर में पड़ गए। जिस प्राणी में जितनी जास्ती इंद्रियां होती हैं उतना ही उसको सुख दुख जास्ती होता है। जिस प्राणी में इंद्रियां जितनी ही कम होती हैं उतना सुख दुख भी कम होता है। मछली में इंद्रियां जास्ती होती हैं या कम होती हैं? कम होती हैं। तो उसको मारने से उतना पाप नहीं बनता है जितना आदमी को मारने से पाप बनता है। उसमें भी किसी बड़े राज्य के राजा की हत्या कर दी जाए और सड़क में पड़े हुए किसी भिखारी की हत्या कर दी जाए, एक ही हत्यारे ने दो हत्याएं की, ज्यादा बवंडर किसकी हत्या पर पड़ेगा? राजा की हत्या पर ज्यादा बवंडर पड़ेगा। तो मछली का जो मिसाल दिया है ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोढ़ी बना है वो पूर्वजन्म का कोई ऐसा पाप कर्म हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपने हाथ पांव का दुरुपयोग किया हो, वो दुरुपयोग के कारण वो इस जन्म में कोढ़ी बन गए। और गैया कटाते बाबा वो है जो गाय कटाते बाबा ने बता दिया है कि अंधश्रद्धा से पतन होता है। भक्ति मार्ग में होती है अंधश्रद्धा और ज्ञान मार्ग में होती है श्रद्धा विश्वास, उससे उत्थान होता है। ये गाय काटने को महापाप जो माना गया है, जानवर गऊ को काटना, ये अंधश्रद्धा विश्वासियों की बातें हैं या ज्ञानियों की बातें हैं? इसकी बात है ये है? आपकी बात तो नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? बात नहीं बनता। अरे पूछा ना आपसे, ये अंधश्रद्धालुओं की बात है या ज्ञानियों की बात है? अंधश्रद्धालुओं की बात है। अंधश्रद्धालु बेचारे जानते ही नहीं है कि भगवान ने कौन सी गऊओं की पालना की थी। भगवान ने जानवर गऊओं की पालना की थी या ह्यूमन गऊओं की पालना की थी? ह्यूमन गऊओं की पालना की थी। तो ह्यूमन गऊओं की बेहद में हत्या करना वो तो महापाप है। कोई कन्या शादी नहीं करना चाहती है और जबरदस्ती उसको पकड़ पकड़ा के चारों तरफ से घेर घार के उसकी शादी करवा दी तो क्या हो गया? गऊ हत्या जैसा पाप हो गया। बाकी वो जानवर गऊ है जो दूध ही नहीं देती है उसके लिए तो मुरली में भी बोला है, उदाहरण दिया है, जो गऊ दूध नहीं देती है
क्या कहा? भगवान बाप आया हुआ है गौओं के द्वारा, दूध की नदियां बाहर आ रहा है, और वो गौएं क्या करती हैं? दूध देती ही नहीं है, मुंह तो चाहे जितना ले लो दूध नहीं देंगी। तो उनका अंजाम बताया मुरली ने, उनका अंजाम क्या बताया? वो गौएं आगे चल के ऐसा जमाना आने वाला है तो गौएं काटी जा देंगी, कच कच, जैसे वो दुनिया भी कसाई काटते हैं, वो भी बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। बाकी तो जो जानवर गौएं हैं दूध देती नहीं है, खेत हार में जाकर के सारा अन्न बर्बाद कर देती है, उनका तो मांस अगर खा लेते हैं लोग काट पीट करके तो क्या पूरा करते हैं? आपके लिए अनाज बचेगा कि नहीं बचेगा? अनाज बचेगा तो अनाज सस्ता होगा कि नहीं होगा? मुझे बता दी माता की भक्ति मार मुर्दाबाद। हाँ पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी में तीन वृत्त दिखाते हैं, विषुव वृत्त, मकर वृत्त, कर्क वृत्त। ये जो तीन वृत्त है वो तीन देवताओं से कनेक्टेड है, ब्रह्मा विष्णु शंकर से। क्या नई बात क्या हुई? ये पूछ रही थी कि तीन देवताओं से कनेक्टेड तीन वृत्त, जो विषुवत रेखा है वो बीच में है, पृथ्वी के बीच में चारों तरफ, उसे विषुवत रेखा माना जाता है। ऊपर की रेखा है वो कर्क रेखा मानी जाती है। और नीचे की रेखा है वो मकर रेखा मानी जाती है। कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य चमकता है तो सूर्य को उत्तरायण माना जाता है। जब मकर रेखा की ओर सूर्य चमकता है तो सूर्य को दक्षिणायन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो उत्तरायण सूर्य होगा तब ही शरीर छोड़ूंगा। क्या? मकर रेखा के ऊपर जब तक सूर्य रहेगा तब तक मैं शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान सूर्य कर्क रेखा पर जब चमकता है माने उत्तरायण होता है, उत्तर भारत में जब ज्ञान सूर्य चमकता है, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दक्षिण भारत में चमक रहा है या उत्तर भारत में चमक रहा है? है? कोई कहता है दक्षिण भारत में, कोई कहता है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में चमक रहा है, दक्षिण भारत की ज्यादा आत्माओं ने ज्ञान सूर्य को पहचाना हुआ है, उत्तर भारत की आत्माएं जैसे ना के बराबर जानती हैं, खुद गंगा ही अभी तक नहीं सचेत हो रही है। मुरली बोला ज्ञान गंगाएं निकली हैं बाद में। तो जब भीष्म पितामह देखते हैं कि उत्तरायण में सूर्य चमकने लगा, गंगा के क्षेत्र में ज्ञान सूर्य प्रकाश फैलाने लगा, तब वो अपने शरीर गंगा के किनारे जाकर छोड़ देते। तो अभी पश्चिमी सभ्यता में सूर्य उदय हो रहा है क्योंकि ज्ञान सूर्य को पश्चिमी सभ्यता वाले ज्यादा पहचानते हैं, पहले पहचानते हैं, या भारतीय सभ्यता वाले पहले पहचानते हैं? भगवान बाप को पहले प्रत्यक्ष कौन करते हैं?
विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते, तो विदेशी है दक्षिणी सभ्यता वाले और स्वदेशी है उत्तरी सभ्यता वाले। सूर्य कहाँ उगता है? है ईशान कोण में, उत्तर पूर्व की ओर से। बाबा बोले में आया ये गदा और खेचर गदा है, गदा और खेचर गदा, खेचर गदा माना क्या? गधा और घोड़ा, मेल और फीमेल जब मिल जाते हैं, चाहे गधा मेल हो चाहे फीमेल हो, और घोड़ा चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से एक हो, और दोनों का जब मेल हो जाता है उससे जो संतान पैदा होती है उसको कहते हैं खच्चर। और भारत में ही दीपावली के दिन धन की पूजा क्यों है? धन की, धन धन धन। दीपावली माने दीपों की अवली, वो स्थूल दीपों की बात है या आत्मा रूपी दीपकों की बात है? जब आत्मा रूपी दीपकों की जागरण होता है तो उस समय संसार में ईश्वरीय ज्ञान धन की प्रत्यक्षता हो जाती है। धनतेरस मनाते हैं, क्या मनाते हैं? दीपावली आने से पहले, दीपक जगने से पहले, आत्मा का दीपक पहले जगेगा या ज्ञान धन की पूजा होगी पहले? है आत्मा दीपक पहले जगता है क्या? वो दीपावली मनाई नहीं है क्या घर घर में? मालूम नहीं है पहले दीपावली जलती है या पहले धनतेरस के दिन धन की पूजा होती है? क्या होता है? है धनतेरस भूल गए? जब 13वां दिन होता है, रात्रि पक्ष होता है ना, तो राक्षसी पक्ष में जब 13वां दिन होता है उस दिन धनतेरस मनाई जाती है, धन के देवता की पूजा की जाती है। सच्ची बात की है कि धन की जो पूजा की जाती है वो ज्ञान दीपक जगने से पहले होती है या बाद में होती है? पहले होती है, तो पहले मनाई जाती है धनतेरस, धन की पूजा होती है। स्थूल धन की बात नहीं है, कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात। धन से, ज्ञान धन से दुकान पे जाते हैं बर्तन खरीदते हैं, खरीदते हैं ना, पात्र खरीदते हैं, कहते हैं कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए? सुपात्र को दान देना चाहिए। तो ये धन की पूजा हो गई, जब धन की पूजा हो जाती है, ज्ञान धन अच्छी तरह से मनन चिंतन मंथन में आ जाता है तो बाद में ज्ञान का दीपक जगता है, उसे कहते हैं दीपावली। उन दीपकों में भी सबसे पहले धर्मराज का दीपक जगाया जाता है। धर्मराज का दीपक जगाने के बाद फिर उस एक दीपक से दूसरे सारे दीपक जगाए जाते हैं। और बाबा खच्चर गद्दे का पार्ट कितना है? खच्चर गद्दे का पार्ट कितना? खच्चर गद्दे का, गधे का, गधे का पार्ट किसका है? रावण के सर के ऊपर गधे का सिर देखा है? भक्ति मार्ग में जब रावण का चित्र बनाते हैं तो उसके सर के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं। गधे में कौन सा अभिमान ज्यादा होता है? देह अभिमान। उसकी निशानी क्या दिखाइए? गधे को नहलाओ धुलाओ जितनी बार भी दिन में,
जितनी बार नहलाएंगे धुलाएंगे वो क्या करेगा, देह अभिमान की मिट्टी में लोट जाएगा, लोट पोट हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई पार्ट है, बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस ज्ञान की नॉलेज तक भी इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना ज्ञान मिलने के बावजूद भी, इतना ज्ञान स्नान करने के बावजूद भी वो आत्मा अभी भी राम वाली आत्मा में प्रवेश करके देह अभिमान की मिट्टी में लुट जाती है। तो काहे का पार्ट हुआ है, खच्चर गधा का नहीं, गधा का पार्ट हुआ। देह अभिमान की औलाद है पांच विकार, तो पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से ही यज्ञ में पल रहे हैं ब्रह्मा की गोद में, अभी भी ब्रह्मा की गोद में ही पल रहे हैं। और